दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना जारी है और रुझान में कांग्रेस बहुत ही पीछे चल रही है। कांग्रेस के साथ ही पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी अमेठी सीट से बहुत ही पीछे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी कांग्रेस अध्यक्ष से बहुत ही आगे चल रही है। अमेठी के तीन प्रमुख उम्मीदवार भाजपा की स्मृति ईरानी, कांग्रेस के राहुल गांधी और BMU के अफजल वारिस है। दोस्तों, साल 2014 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी का निर्वाचन हुआ था। उन्हें 4,08,651 वोट मिले। उनकी पार्टी कांग्रेस है। उन्होंने स्मृति ईरानी को 1,07,903 वोटों से हराया था। निकटतम प्रतिद्वंदी की पार्टी BJP थी। साल 2014 में कुल 52% वोट पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चौथी बार तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2014 में शिकस्त के बाद में दूसरी बार आमने सामने है। संसदीय क्षेत्र में वैसे तो कुल मतदाताओं की संख्या 17,41,034 है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग 9,40,000 लोगों ने किया। अमेठी उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इसे बसपा सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2010 को अस्तित्व में लाया गया था। गौरीगंज शहर अमेठी जिले का मुख्यालय है। शुरुआत में इसका नाम छत्रपति साहूजी महाराज नगर था, बाद में इसका नाम बदलकर अमेठी कर दिया गया। यह भारत के गांधी परिवार की कर्म भूमि है।